बच्चों कैसे हैं आप सब? I think all is fine. आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में 26 लेटर्स होते हैं. कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स. ठीक है, उसमें से जो है 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी. तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बी सी डी. ठीक है, और उसमें से 05 जो होते हैं वो वाउल्स होते हैं. ए ई आई ओ यू. ये आपको याद रखना है हमेशा. 26 लेटर्स होते हैं, 21 उसमें से कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वाउल्स होते हैं. और वाउल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू. तो मैं आज का जो टॉपिक शुरू करने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी और फिर एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. लाइक इट इज अ बॉल. नाउन कौन सा है? इसमें मैंने आपको नाउन इससे पहले वाली वीडियो में बताया है. इसमें नाउन कौन है? बॉल नाउन है. और बॉल से पहले हमने क्या लगाया? ए लगाया. क्या लगाया? ए लगाया. नेक्स्ट लेते हैं. इट इज एन आइसक्रीम. ठीक है, नाउन आइसक्रीम है और उससे पहले हमने क्या लगाया? एन लगाया. ठीक है. So there is a fish in the bottle. In the bottle. Fish noun है और bottle noun है. तो इसके आगे हमने क्या लगाया? A लगाया है और the लगाया है. तो ये जो words मैंने circle किए हैं A, an, A, the, ये क्या होते हैं? इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स. जो वर्ड नाउन से पहले लगाए जाते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. ए एन द. तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स. हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स. समझ में आए? आर्टिकल. एन आर्टिकल इज अ वर्ड That comes before a noun. ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं. थ्री टाइप्स के होते हैं, ए एंड द. ठीक है, समझ में आया? नाउन से पहले आए हैं तो इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. क्या होता है आर्टिकल्स? An article is a word that comes before a noun. जैसे मैंने आपको example दे दिया था, it is a ball, it is an ice cream, There is a fish in the bottle. The bottle. A. An. The. These are articles. समझ में आया? Articles ऐसे words होते हैं जो नाम से पहले use करते हैं. A and the. अब हम A और an का use पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम इनको use करते हैं. ठीक है, नाम से पहले तो लगाते हैं लेकिन और भी इसके rules है. कैसे? सबसे पहले हम ए के बारे में पढ़ लेते हैं. ए को हम यूज करते हैं अगर हमारा वर्ड कोई वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे. इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कॉन्सोनेंट एंड इट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड, उस लेटर की साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो हम उसको क्या बोले, उधर कहां क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय
table, a fan, b की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड. मैंने आपको कॉन्सोनेंट बताया था ना क्या होता है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वाउल्स होते हैं, बी सी डी वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वाउल्स ए ई आई ओ यू होता है. तो जो हम ए कहाँ लगाते हैं, अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे. समझ में आया? बॉय, अ टेबल, अ फैन, अ फ्लावर, अ बुक, अ पेन, अ बैट, इनमें हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं. सेकेंड रूल है इसका, ए कहां पे यूज करते हैं, इफ द वर्ड, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वाउल पर उसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो भी हम ए लगाएंगे. क्या लगाएंगे हम, मैंने अभी जनरली आप बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर देख लो, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए लगा लो, अगर वो वाउल है तो एन लगा लो. हमें सबसे ज्यादा ध्यान ए एन का यूज करते समय उसकी साउंड पे देना होता है, उसकी स्पेलिंग पे नहीं देना होता, उसकी साउंड पे हमें ध्यान देना होता है. तो इसमें क्या है, जैसे कि वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल तो है पर उसकी जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हम वहां पर ए लगाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वाउल है, यू वाउल होता है पर इसकी साउंड क्या आ रही है, वाई ओ यू की साउंड आ रही है, अ या उ की साउंड नहीं आ रही है, अ या उ की साउंड नहीं आ रही है, यू की साउंड आ रही है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे. समझ में आ रहा है आपको, दो रूल्स मैंने आपको बताए, मैं लिखवा देती हूं आपको. ए कहां यूज करते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, इफ द फर्स्ट लेटर of the word is consonant and it has a consonant sound, so we use a there. कहाँ भी यूज करेंगे, अगर फर्स्ट लेटर का, अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी कॉन्सोनेंट साउंड भी है तो हम ए यूज करेंगे. जैसे अ टेबल, अ बुक, अ बेंच, चेयर, कैट, फैन, ठीक है, समझ में आया. सेकेंड रूल है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वाउल बट इट हैज कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज ए. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनियन, इसमें यू की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे. यू को देख के एन नहीं लगा देंगे, ये समझ लो कि वाउल है भाई एन लगा दो, नो, हम ए लगाएंगे क्योंकि यू की साउंड नहीं आ रही है यहां पर. यू की साउंड जो होती है वो अ और होती है, तो यू यहां पर यू की साउंड आ रही है तो इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे. समझ में आया, ए कहां पर यूज होता है, कॉन्सोनेंट के साथ और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, पर कुछ लेटर्स में अगर वो वाउल से शुरू हो रहे हैं बट उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगाएंगे. नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ए को हम जनरली भी यूज कर लेते हैं. अगर हम कोई भी चीज जनरल बात कर रहे हैं तो हम ए को यूज करेंगे, ए लगाएंगे वहां पर. जैसे कि सॉरी मैंने गीला हाथ में लिया, ए को हम थर्ड रूल है जनरल में भी यूज कर सकते हैं. हमने
स्पेसिफाई करके बात नहीं की, जनरली हम बात कर रहे हैं तो ए लगाएंगे, जैसे कि दिस इज अ ब्रिलियंट बुक, ठीक है। यहां पे हमने जनरली बात की है, बुक स्पेसिफाई नहीं किया कि ये शेक्सपियर की बुक है या किसी और की बुक है या इंग्लिश बुक है या हिंदी बुक है, स्पेसिफाई नहीं किया। जनरली हमने बोल दिया कि ये बुक बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट बुक है, तो हम ए लगाएंगे। तो जनरल चीजों के साथ भी ए को यूज कर लेते हैं। फोर्थ, कहीं पर भी जहां हम फर्स्ट मेंशन करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी भी चीज को फर्स्ट मेंशन करते हैं, फर्स्ट टाइम बोलते हैं, तो उसमें ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, सॉरी अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, द बॉय वॉज क्राइंग, द बॉय वॉज क्राइंग। फर्स्ट हमने यहां पर दोनों लाइन सेंटेंस में बॉय की बात की है, दोनों सेंटेंस में बॉय की बात किया, लेकिन फर्स्ट मेंशन में हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है, ए लगाया है, और सेकंड मेंशन में क्या लगाया है, द लगाया है, ठीक है। आई ईट बनाना, आई ईट अ बनाना, अ बनाना, द बनाना वॉज स्वीट। दोनों सेंटेंस में मैंने बनाना की बात की है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमने ए आर्टिकल लगाया है और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने द लगाया, दूसरी बार जब बात की तो द को लगाया, द आर्टिकल का यूज किया है। तो जनरली आपको समझ में आया ए को कहां कहां यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल अगर लेटर है पर उसकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम ए लगाएंगे। जनरली जब हम बात करते हैं तो हम ए लगाते हैं, स्पेसिफाई नहीं होते तो हम ए लगाएंगे, और अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में दो बार उस व्यक्ति की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, प्लेथिंग की बात हो रही है, तो फर्स्ट हम ए लगाएंगे और सेकेंड जो मेंशन करेंगे तो द लगाएंगे। समझ में आया ए, ओके। अब हम आ जाते हैं एन पर, एन को कहां पर यूज करते हैं, एन को हम यूज करते हैं अगर उसका फर्स्ट लेटर वाउल है और वाउल साउंड भी है उसकी, तो हम एन लगाएंगे। इफ द वर्ड, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, फर्स्ट लेटर जो वर्ड का वाउल है और उसकी साउंड भी वाउल आती है, तो हम एन को लगाएंगे। जैसे कि एन एप्पल, एन एंट, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये सारे क्या हो जाएंगे, एन, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर वाउल है और इनकी साउंड भी वाउल आ रही है, तो हम एन लगाएंगे। समझ में आया। सेकेंड, अगर फर्स्ट लेटर वर्ड का कॉन्सोनेंट है पर उसकी जो साउंड है वो वाउल आ रही है, फर्स्ट लेटर वर्ड का क्या है, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है पर इस लेटर की जो साउंड है वो वाउल साउंड आ रही है, साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट लेटर है पर साउंड वाउल की आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, एन को लगाएंगे, हम ए नहीं लगाएंगे कॉन्सोनेंट लेटर देख के कि ए लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट लिखा हमने एच ओ एन ई एस टी है, एच की साउंड क्या होती है, ह, ह, पर यहां पर क्या आ रही है, ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, वाउल की साउंड आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे इसके आगे, एन लगाएंगे, एच को देख के ए नहीं लगाएंगे, साउंड को देख के हम उसको एन लगाएंगे। ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनर, तो क्या आ गया, ओ की साउंड आ रही है, ह की साउंड नहीं आ रही, ऑनर, ओ, तो फिर क्या आ गया, एन आ गया। समझ में आया। अगर किसी भी फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल है और उसकी साउंड भी वाउल है तो हम एन लगाएंगे। अगर किसी भी फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर
कॉन्सोनेंट है पर उसकी साउंड वाउल आ रही है तो हम एन लगाएंगे। समझ में आया ए और एन? दोबारा से बस फटाफट बता देती हूँ ए कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ए कहाँ यूज होता है? कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। अगर उसका फर्स्ट लेटर वाउल है पर साउंड कॉन्सोनेंट आ रही है तो भी ए लगाएंगे। अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम ए लगाएंगे, और अगर हम फर्स्ट मेंशन में बात कर रहे हैं सेंटेंस में तो ए लगाएंगे। और एन क्या लगाएंगे? वाउल एंड वाउल साउंड्स के साथ। हम जब ए एंड एन यूज करते हैं तब हम स्पेसिफिकली ध्यान देते हैं हाउ द वर्ड प्रनाउंस्ड, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, कैसे उसको बोला जाता है, उसकी साउंड कैसे निकलती है। स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आया? चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर आपको ये रूल नोट डाउन करने हैं तो आप कर सकते हो। फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, आपको मुझे बताना है ए कहाँ आएगा एंड कहाँ आएगा। ठीक है, अभी हमने ए एन समझा, अभी हम द भी पढ़ेंगे। डैश चलिए बताइए कहां पे ए आएगा और कहां पर एन आएगा। फर्स्ट लेटर क्या लिखा? फैन। कॉन्सोनेंट है और साउंड भी फ के आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टोपस। ओ की साउंड आ रही है, ओ क्या है? वाउल है, साउंड भी वाउल की आ रही है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। नाइफ, न की साउंड आ रही है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही है तो ए लगाएंगे। अब आप बताइए बी, बी तो क्या आएगा? ए आएगा कि आउन आएगा? एन आएगा। देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है और साउंड कैसी आ रही है? ब, बी ब, तो फिर क्या आएगा? ए आएगा। वेरी गुड। वास, व की साउंड आ रही है, V है, कॉन्सोनेंट है, ए आ जाएगा। पेन, पीई एन, पेन क्या आएगा बताइए? ए आएगा कि एन? कौन सा लेटर है इसमें? पी है, पी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, पी की साउंड क्या होती है? प, तो साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। वेरी गुड। एंड, वाउल है, साउंड भी है कि आ रही है? एन। गुड। एलिफेंट, ए की साउंड आ रही है, ई है, वाउल है, साउंड भी वाउल की आ रही है तो एन। वेरी नाइस। इग्लू, ई वाउल भी आई वाउल है और ई की साउंड आ रही है तो क्या आएगा? एन। वन रुपी, वन रुपी, ध्यान से सुनिए, ओ है, वाउल है पर साउंड कैसी आ रही है? वन, व, डब्ल्यू की साउंड आ रही है, साउंड किसकी आ रही है? डब्ल्यू की, तो क्या आ जाएगा? वाउल है पर साउंड डब्ल्यू की आ रही है तो क्या आएगा? वन रुपी नोट।
WOL ऐसी साउंड आ रही है. 1 rupee नोट. Utensils, utensil लिखा U है पर साउंड कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा A. Unicorn, very good. A. Bag, A. अच्छा अगर यहाँ पे मैंने R लिख दिया है HOUR R तो क्या आएगा HOUR. लिखा H है कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड R अ की आ रही है तो N. समझ में आया सबको A और R अच्छे से. चलिए फिर हम सेंटेंस में हमें बताइए. क्या लगाएंगे ठीक है. आपको मुझे बताना है कि अब हम ए और एन ये आपको यहां पर समझ में आ गया. अब हम द पे आते हैं. ए और एन आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब हम किस पर आर्टिकल पे आते हैं द पे. द हम कब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग के लिए बात करते हैं. हम उसमें मेंशन कर देते हैं स्पेसिफिकली बात करने लग जाते हैं तो हम द को यूज करते हैं. स्पेसिफिकली बात करते हैं स्पेसिफिक हो जाते हैं जनरल नहीं रहती तो हम द को यूज करते हैं. स्पेसिफिक पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग होता है तो हम द लगाते हैं ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द पंजाब. द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट इज अ स्मॉल स्टेट. द पंजाब स्पेसिफाई हो गए पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हमने नाम ले लिया तो द लग जाएगा. सेकेंडली द कुरान is a holy book. अब हमने बुक का नाम ले लिया स्पेसिफाई हो गए कुरान का नाम बता दिया कुरान तो हम द लगाएंगे. जब हम जिस भी चीज में हम स्पेसिफाई हो जाते हैं स्पेसिफिक हो जाते हैं तो हम द लगा देते हैं. स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट हो जाते हैं तो हम द को यूज करेंगे. सेकेंड मेंशन में भी हम द को यूज करेंगे. अभी मैंने ए को कराते हुए बताया था जब हम एक ही सेंटेंस में व्यक्ति की बात करते हैं या किसी भी व्यक्ति जगह या प्लेस पर्सन के दो बार बात करते हैं या उसी पर्सन की दोबारा बात हो रही होती है तो हम द लगाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एट अ पेयर द पेयर वॉज सोल्ड द पेयर वॉज सोल्ड. मैंने पेयर खाया फर्स्ट मेंशन में ए आया और सेकंड मेंशन में क्या आ गया द आ गया. पेयर के बारे में बात हो रही है लेकिन सेकंड मेंशन में हम द लगाएंगे ए नहीं लगाएंगे. आई सॉ अ मैन एंड अ वुमेन द मैन वॉज ओल्ड. हमने मैन के बारे में बात की है. आई सॉ अ मैन एंड अ वुमन मैंने एक आदमी और एक औरत देखा देखी बट द मैन वॉज ओल्ड. जब हमने दोबारा उसी मैन के बारे में बात की तो क्या आएगा द आ गया. सेकंड मेंशन में भी हम द लगा देंगे. अब कुछ और भी चीजें जिनके साथ हम द लगाते हैं जैसे कि नेम ऑफ द ओशियन सी ठीक है. नेम ऑफ द ओशियन सी हो गया क्या कहते हैं रिवर्स हो गया उनके साथ भी हम द लगा लेंगे. ओशियन के साथ रिवर के साथ डेल्टा के साथ सी के साथ इनके साथ हम क्या लगा देंगे द लगाते हैं जो इनके नेम होते हैं. डायरेक्शंस के नेम के साथ भी द लग जाता है जैसे कि द ईस्ट द वेस्ट इनके साथ भी क्या लगता है द
द लग जाता है। और अगर कोई यूनिक ऑब्जेक्ट है, पूरी कोई यूनिक ऑब्जेक्ट है या एक है पूरी इसमें यूनिवर्स में दुनिया में, तो द लग जाएगा। जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द इंटरनेट, क्योंकि यूनिक है एक ही होती है तो इनमें द लग जाता है। तो समझ में आया द कहाँ रहता है? स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पष्ट रूप के, स्पष्ट चीजों के लिए। सेकंड पर्सन, सेकंड मेंशन में द लगता है। नेम ऑफ ओशियन, रिवर, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ यूनिक, कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट होता है उनके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज के। आपको बताना है, आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ठीक है, टाइप कर दूं? ओके, यू हैव टू चूज करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब इसमें तीनों की बात आ जाएगी, ए एंड द। ठीक है, जैसे डैश, कैट, सन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अम्ब्रेला, यूएसए, ईस्ट, टेबल, गीता, चलिए अब इतने का बताइए आप, कैट के साथ क्या आएगा? कैट के साथ क्या आएगा? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है सी और साउंड भी सी है तो ए आ जाएगा। सन यूनिक ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया था एक ही है तो द आ जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक ही है पूरी दुनिया में, द आ जाएगा। अम्ब्रेला यू, अम्ब्रेला यू वाउल है लेकिन साउंड भी यू अ की आ रही है, अ की आ रही है तो साउंड भी कॉन्सोनेंट है तो एन आ जाएगा। यूएसए कंट्री का नेम है, द आ जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन है, द आ जाएगा। टेबल कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है, ए आ जाएगा। गीता या रामायण बुक का नेम है, रिलीजियस बुक का नेम है तो द आ जाएगा। एल एल बी एल क्या है? कॉन्सोनेंट है पर साउंड ए के आ रही है तो वाउल साउंड आ रही है तो एन लग जाएगा। एम ए की साउंड आ रही है, एम ए की साउंड, ए की साउंड वाउल होती है तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। समझ में आया सबको अच्छे से? आई होप आप सबको ए एन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंसेस कर ले, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। माय मदर इज डैश डॉक्टर, माय फादर डैश इंजीनियर, ओके शी डैश एंड ओल्ड लेडी डैश डैश डैश
चलिए बताइए. माय मदर इज डैश डॉक्टर. तो फर्स्ट लेटर क्या है? ड. डी कॉन्सनेंट, साउंड भी कॉन्सनेंट, तो क्या आएगा? आप बताइए मुझे, सोचिए क्या आएगा, सोचिए. ए आएगा. वेरी गुड, ए आएगा. माय फादर इज डैश इंजीनियर. ई वाउल है, साउंड भी ई की आ रही है, तो एन. वेरी नाइस. शी डैश एन ओ, सॉरी, she is dash old lady. O की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा? An. Very good. Dash sun rises dash east. Sun एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो हम द लगाएंगे. The sun rises in east direction का नेम है, तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. गंगा एक रिवर का नेम है, तो क्या लगाएंगे रिवर के नेम के आगे? द. स्विच ऑफ लाइट, एक लाइट के बारे में बात हो गई, स्पेसिफिक हो गए हम. द. आई होप आपको ए एंड द के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.